नमस्कार। न्यूज क्लिक के खोज खबर कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि जिस समय देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, जिस समय लॉकडाउन है, ठीक उसी समय राजनीतिक गिरफ्तारियों पर कोई लॉकडाउन नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय सरकारें पूरी जोर शोर से अपने राजनीतिक विरोधियों को या असहमति में स्वर उठाने वालों को, जरूरी सवाल उठाने वालों को निशाने पर ले रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, उनके खिलाफ FIR हो रही है। ये सब जिस समय हो रहा है तब सरकारी मशीनरी ये सब करते हमें दिखाई दे रही है, जबकि ठीक इसी समय, जैसा कि हम बाकी कार्यक्रम में कहते आए हैं, कि भूख और बेरोजगारी जानलेवा हो रही है और आप पाएंगे कि आत्महत्या करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, दर्दनाक खबरें आ रही हैं। इसलिए आज का खोज खबर गिरफ्तारियों पर लॉकडाउन नहीं के नाम पर। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं गिरफ्तारियों की, तो यह चिंता किसकी है? यह चिंता सिर्फ हमारी नहीं है या सिर्फ कुछ संगठनों की नहीं है। यह चिंता है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2020 को, यानी बस अभी ही, पिछले महीने ही, तमाम स्टेट को, तमाम केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि वह एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जो इस पर विचार करे कि किन कैदियों को छोड़ा जा सकता है। ये जो सुओ मोटो रिट पिटीशन है, ये कंटेंजियन वायरस इन प्रिजंस, COVID-19 के संदर्भ में सुओ मोटो पिटीशन थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर जगह उच्च स्तरीय कमेटियां बनाई जाएं ताकि जो गैर जरूरी या बीमार कैदी हैं उनको छोड़ें, ताकि कोरोना से उनको बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई कि कोरोना के समय जब देश में संकट है, उस समय जो हमारी जेलों की स्थिति है, आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो अध्ययन है, तमाम चीजें, आंकड़े हैं, वे बताते हैं कि इस समय भारतीय जेल अपनी अधिकतम कैपेसिटी से भी बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हाल बहुत खराब है, महाराष्ट्र में हाल बहुत खराब है, और ऐसे में यह मांग उठानी और उठनी बहुत जरूरी थी कि जिस समय कोरोना वायरस का संकट है, उस समय कम से कम कैदियों के बारे में भी सोचा जाए, मानवीय ढंग से उनके बारे में सोचा जाए। और इस बारे में पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, PUDR, ने बहुत मांग उठाई, जिसके आंकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे इस समय स्क्रीन पर। इसके साथ साथ रिहाई मंच, जो उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय संगठन है, उसने भी मांग उठाई, वहां पे योगी आदित्यनाथ से मांग की कि जो कैदी हैं उनकी रिहाई के बारे में बात की जानी चाहिए, कदम उठाए जाने चाहिए। कुछ कैदी छोड़े भी गए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश वो मोटो दिया था। लेकिन देखिए कि सरकार करती क्या है। अभी जब मुरादाबाद में एक हिंसक वारदात हुई, जब वहां पर कोरोना जांच के लिए टीम पहुंची, उसके साथ वहां के समुदाय के साथ भिड़ंत हुई, जो भिड़ंत हिंसक थी, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ जिस तरह के मामले लगाए गए, वे बेहद चिंताजनक हैं। मुरादाबाद में जिन 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 7 महिलाएं हैं, आप देखिए कि उनके खिलाफ तमाम अन्य धाराओं के अलावा जो केस बनाया गया वह NSA का बनाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बनाया गया। उसमें बनाया गया एपिडेमिक डिजीज एक्ट, महामारी बीमारी कानून, जो अंग्रेजों का जमाने का है, 1896-97 के दौर का है, और आपदा प्रबंधन कानून, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया गया। सीधा सा सवाल हमारा जो यहां पर है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास जो नॉर्मल CRP धाराएं हैं वे काफी थीं, लेकिन जिस तरह से बड़ी बड़ी धाराओं, बड़े बड़े कानून के तहत गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 7 महिलाएं हैं और एक महिला इद्दत से महिला है, वो पूरा का पूरा माहौल बनाता है कि यहां पर सरकार एक बदले की कार्रवाई के तहत कार्रवाई कर रही है। इसी तरह से दिखाई देती है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता आमिर मिंटोई की गिरफ्तारी। वे इस समय वहां पे जो लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं लॉकडाउन से, कोरोना से, उनके बीच राहत का काम कर रहे थे। वे वहां से लौटते हैं, मेडिकल शॉप पे खड़े हुए हैं, वहां से सामग्री खरीद रहे हैं, और तुरंत वहीं से उनको उठा लिया जाता है। इस बारे में भी रिहाई मंच ने
गहरा सख्त एतराज पेश किया है। सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश या बाकी जगहों का नहीं है। अगर हम देश की राजधानी दिल्ली को भी देखें तो लॉकडाउन के बाद से यहां जिस तरह से गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है वह बेहद चिंताजनक है। हाल में जो दो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर काफी चर्चा हो रही है। इनके बारे में एक पत्र भी लिखा गया है। करीब 40 से अधिक लोगों ने साथ आकर इन गिरफ्तारियों का विरोध किया है। इसमें जो दो प्रमुख नाम हैं उसमें से पहला है सफूरा जरगर का, जो कि मीडिया संयोजक थी, जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसकी, और जिस समय गिरफ्तारी हुई हाल ही में उस समय यह प्रेग्नेंट है। उस जिस तरह से यह गिरफ्तारी हुई उसको लेकर उनके परिवार वालों में गहरा रोष है। और साथ ही साथ जो दूसरी गिरफ्तारी हुई मीरान हैदर की, मीरान हैदर और सफूरा दोनों ही जामिया में पीएचडी के छात्र हैं। मीरान आरजेडी के जो छात्र संगठन है उससे जुड़े हुए हैं, और इन दिनों दोनों ही लोग जो राहत का काम चल रहा था उसमें सक्रिय थे। और इससे पहले दिल्ली में जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरा अभियान चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, इसमें भी ये दोनों लोग काफी सक्रिय थे। इस बारे में हमने बात की एनी राजा से। एनी राजा जो एक महिला संगठन NFIW की राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ ही साथ तमाम महिला संबंधी मुद्दों पर बहुत सक्रिय रहती हैं, उन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर किया है जिसमें इन दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ बात कही गई है कि ये गिरफ्तारियां बिल्कुल गलत ढंग से की गई हैं। उनकी बात करने से पहले दो तीन चीजें, दो तीन अहम नाम। एक नाम है इशरत जहां का। इशरत जहां खुरेजी में जो आंदोलन चल रहा था उसका एक प्रमुख चेहरा थी, और इनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उस पर भी बहुत गंभीर सवाल है। चांदबाग से गिरफ्तार किया गया शादाब को और अथर को, उस पर भी वहां के परिवार वालों का कहना है कि बहुत बदले के भाव से गिरफ्तारी की गई है। और योगेश स्वामी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसको लेकर नौजवान सभा से वो जुड़े हुए हैं। इन तमाम नामों का हम जिक्र यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में, देश की राजधानी में, जब लॉकडाउन है, राहत के काम में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पुराने मामलों को निकालकर जिस तरह से गिरफ्तारी है वह गंभीर चिंता का सबब है। आइए सुनते हैं एनी राजा को। रीसेंट पास में हम देखें कि इस बार सबसे ज्यादा देश के लिए, जनता के लिए, ये बहुत ज्यादा संख्या में खास कर महिलाएं निकल कर आई थी, तो सरकार की जो इंटेंशन को लेके बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करने में ये सफूरा जी या जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी या शाहीन बाग और सारा ये आंदोलन का जगह सरकार की जो इंटेंशन है उसको, इसका ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया था। तो उसको लेके, तब से लेके ये रिवेंजफुल एक्ट जो शुरू हो गया था, तब बहुत सारी लोगों को अरेस्ट किया है। अभी इसके साथ जोड़ रहे जो राइट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ है उसकी नाम से ये इसमें एक इनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें क्या आरोप लगाया गया? तो ये जो राइट के लिए इंस्टिगेट किया है, मोटिवेट किया है, ये भी ये सारा जो बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं, ऐसा ऐसा बोल के इनको अरेस्ट किया है। और सिर्फ इन्हीं का बने, दूसरा भी साथियों का है, और भी लोग अभी भी, आज भी हमें कुछ महिलाएं उधर से हमें फ़ोन करके ये भी बता रहे कि ऐसे ही पकड़ के लेके जा रही है और अरेस्ट हो रही है या डिटेन कर रही है या प्रश्न पूछने का जो पूछताछ करने के लिए लेके जा रही है, इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं, ऐसा लेके जा रही है और ये सारा चीज़ हो रही है। एक डर पैदा कर रही है, एक डर का माहौल पहले से ही पैदा किया था, अब ये लॉकडाउन के अंदर और भी जो माहौल पैदा कर रहे। इसी लॉकडाउन के दौरान गौतम नौलखा और आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार किया गया। आनंद तेलतुंबड़े जो बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, अध्यापक हैं और अंबेडकर के परिवार से भी जुड़े हुए हैं, और गौतम नौलखा जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और लेखक हैं, इन दोनों को भीमा कोरेगांव से जोड़कर गिरफ्तार किया गया। और जिस समय इनकी गिरफ्तारी हो रही थी उससे पहले भी तमाम लोग ये कह रहे थे कि ये दोनों लोग 60 से अधिक उम्र के हैं, दिल के मरीज हैं, कोरोना का संकट चल रहा है, जेलों की हाल खराब है और इस लॉकडाउन में वैसे भी कोई कहीं आ जा नहीं सकता, इसलिए इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन हम पाते हैं कि इन तमाम चीजों पर
कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी बीच लंबे समय से जेल में सजा काट रहे शारीरिक रूप से विकलांग एक ऐसे व्यक्ति की रिहाई की भी मांग उठी जिन पर बातचीत बहुत कम है। इनका नाम है प्रोफेसर जी एन साई बाबा। एक रिहाई समिति है जो कमेटी ऑफ डिफेंस एंड रिलीज ऑफ डॉक्टर जी एन साई बाबा। उन्होंने एक पत्र लिखकर अपील की सरकार से कि जिस तरह का संकट है, जिस तरह का कोरोना संकट है, उसमें प्रोफेसर जी एन साई बाबा को रिहा किया जाना चाहिए। साई बाबा की जो पत्नी है वसंता, उनका भी कहना है कि जो हाल है वह बहुत खराब है। वे शारीरिक रूप से 90% से अधिक विकलांग है, उनका उठना बैठना बहुत मुश्किल है, सेहत उनकी लगातार गिरती जा रही है। यह जो पत्र जारी किया इसमें हस्ताक्षर करने वाले जो कमेटी है उसमें प्रोफेसर हरगोपाल हैं, जगमोहन सिंह हैं, मनोरंजन मोहंती हैं, अमित भादुड़ी हैं, अरुंधति राय हैं, नंदिता नारायण हैं। दोस्तों ये है तो गिरफ्तारियों का सिलसिला। इसके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें और चल रही हैं। FIR हो रही है, दो FIR बहुत दिलचस्प जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रही होगी। एक है वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ और दूसरी है कन्यन गोपीनाथन के खिलाफ। इन दोनों के खिलाफ जो FIR हुई है वो गुजरात में हुई है और आप देखिए कि तमाम काम छोड़कर पुलिस इन दो लोगों को किस तरह से इनके खिलाफ मुकदमा बनाती है। हम देखते हैं कि प्रशांत भूषण के खिलाफ जो मामला बना है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने रामायण देखते हुए जो मंत्री हैं उनके ऊपर टिप्पणी की थी। कन्नन के ऊपर भी इसी तरह का मामला है, जो साथ ही साथ जो वायर वेबसाइट है उसके संस्थापक सदस्य के खिलाफ, सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ FIR उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई है। ये सारी की सारी चीजें उस समय हो रही हैं जब देश पूरा लॉकडाउन में है और आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्री हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ कोरोना से बचना है। लेकिन उसी समय ये जो तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर एक बदले की बू या सबक सिखाने का एक जो मंसूबा है वो दिखाई देता है, उससे हमें और आपको निश्चित तौर पर चिंतित होना लाजमी है। दोस्तों एक तरफ लॉकडाउन है, एक तरफ कोरोना का संकट है, एक तरफ यह गिरफ्तारियां हैं, FIR है, और उसी बीच जो गरीब भारतीय नागरिक है वह आत्महत्या पे मजबूर हो रहा है। आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से जो 35 वर्षीय नौजवान बिहार से बहुत सपने लेकर दिल्ली और गुड़गांव आए थे, वे 2500 रुपए अपना फोन बेचकर किसी तरह से घर में कुछ इंतजाम करते हैं और उसके बाद फांसी लगा लेते हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो भी दावे हो रहे हैं, जिस तरह से आपको और हमको दिखाने की कोशिश हो रही है कि 500 रुपए जनधन के मिले हैं, वो ये लोग जो DD और बाकी जगहों पे बोलते हुए महिलाएं दिखाई दे रही हैं, उनके संभ्रांत भरे हुए घर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है उस समय जिस समय देश का गरीब आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। ऐसे समय बेहद जरूरी है कि तमाम नागरिकों की, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सामाजिक एक्टिविस्ट हो, आम भारतीय नागरिक हो, सबको एक सराब बराबर देखना, सबकी सुरक्षा की गारंटी होना, सबको भोजन की गारंटी होना, इस सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारी आज के खोज खबर कार्यक्रम में यही मांग है कि हम इन तमाम चीजों पर बात करें, सवाल उठाएं। यह सिलसिला हम इसी तरह से जारी रखेंगे। आप देखते रहिए खोज खबर, लाइक करिए, शेयर करिए न्यूज क्लिक, ताकि मुश्किल दौर में भी सच को सच कहना और गलत को गलत कहने की जो हमारी कन्विक्शन है, जो हमारा विचार है, वह जिंदा रहे। शुक्रिया।